Hey guys, so as you all know from my last video, I am working as medical officer. और अगर आप जानना चाहते हैं मेरी सैलरी के बारे में और मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी कैसे स्पेंड की है उसके बारे में, तो वो मैं आगे बताऊंगी. उससे पहले लेट मी जस्ट गेट रेडी फॉर माई डे. कभी कभी मैं मॉर्निंग में योगा कर लेती हूँ, नॉट डेली बट यूजुअली 3 to 4 टाइम्स अ वीक. इसमें मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा पोजेज, मेडिटेशन, मॉर्निंग एफर्मेशंस एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ. इज योगा रियली गुड फॉर हेल्थ और इट्स जस्ट ओवर हाइप्ड कॉन्सेप्ट? सो आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जिस दिन भी मैं सुबह उठकर योगा करती हूँ, आई फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. आई डोंट रियली फील टायर्ड दैट डे. और जिस दिन भी मैं योगा नहीं करती, ऑनेस्टली मुझे उस दिन टायर्डनेस, एंग्जाइटी और स्ट्रेस होने लगती है. इसलिए आई एम ऑन माई वे टू इनकलकेट दिस हैबिट एज माई डेली रिचुअल. योगा के बाद आई विल वाइंड अप एवरीथिंग दैट्स लाइंग हियर एंड देयर इन माय रूम एंड विल क्लीन द स्टडी डेस्क एज वेल. आज मैं ड्यूटी के लिए पहनूंगी माय न्यू फेवरेट स्क्रब्स व्हिच आई रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड स्काई स्क्रब्स. द पैकेजिंग इज सो नाइस एंड एस्थेटिक एज यू कैन सी. The brand is founded by a doctor himself. Isn't it cool? A doctor just know the kind of fabric and fit we need in our daily wear scrubs. The fabric is cotton and stretchable, which makes it comfortable, breathable and lightweight. Feels premium. The pants have 2 pockets on the back, 2 in the front and a zipper pocket on the side. The pockets are so deep and can fit a lot of my things like pen, glasses, N95 mask and sticky notes. Just love the way it all turned out. Looks modern, fashionable and comfortable at the same time. And suddenly you realize that everything you'd ever told yourself. This bow literally adds color to my life, my reason to smile. I'm in love with the feel of the fabric on my skin. It's soft, it's breezy, which makes it summer appropriate. Looks very stylish. They have a wide range of different colors that suit Indian skin tone, like pastels, and solid colors like dark blue and maroon. 6 colors for females and 5 for males. The top and pants can be purchased in 2 different sizes, like top can be M and pants can be L if that's what you prefer. Hey guys, so if you also wanna buy these kind of scrubs which are comfortable yet stylish, just go on their website mentioned in the description box below and avail the discounts right now. So I'm ready for the day, but उससे पहले मैं अपनी ये book पढ़ूंगी. Currently I'm reading this book, The Courage to be Disliked, and honestly बहुत ही अच्छी book है. इससे पहले मैंने Atomic Habits पढ़ी थी. My first book is this, Atomic Habits. ये मैंने इतनी पढ़ी है कि इसका cover भी थोड़ा सा fade हो गया है. But anyways, इसमें ऐसे तरीके लिखे हैं, ऐसे ways लिखे हैं जिसको अप्लाई करके हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतों को बिल्ड कर सकते हैं. दिस वॉज द फर्स्ट बुक आई रेड और ये मुझे इतनी पसंद है कि मुझे कोई भी मिलता है और वो पूछता है कि नहीं हो पाता, हमसे काम नहीं हो पाता, मैं उनको यही बुक एडवाइस करती हूँ. तो अभी मैं ये बुक पढ़ रही हूँ. कवर पेज को पढ़ के ही ऐसा लगता है कि जिसके पास करेज है टू बी डिसलाइक्ड,
वो फ्री है, उसको नहीं फर्क पड़ता कोई भी लोग उसको डिसलाइक करे। अगर करेज टू बी डिसलाइक आ गया हमारे अंदर, यही फ्रीडम है। एक्चुअली बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता, बुक को पढ़ के अप्लाई करने से ही फायदा होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन बुक्स की क्यों बात कर रही हूँ। सो रिसेंटली मैंने ये बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। पहले तो मैं नहीं पढ़ती थी, पहले मैं सिर्फ अपनी MBBS की नोट्स बुक्स ये पढ़ लूँ वही बहुत बड़ी बात है। बट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड रीडिंग दीज काइंड ऑफ बुक्स बिकॉज लाइफ को समझना बहुत सिंपल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। सो एनीवेज ये मैंने अपना स्टडी डेस्क स्लैश वर्क डेस्क सेट कर लिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद मैं डिस्पेंसरी के सारे पेपर वर्क करूंगी। Here, a patient came with complaints of acute abdominal pain, lethargy, nausea, and loss of appetite. So, I'm gonna check all the vital signs and will follow all the steps of abdominal examination, that is inspection, auscultation, percussion, and palpation. I will advise some investigations and treatment plan according to the dispensary protocols. अभी मेरा हो गया है घर जाने का टाइम, बट उससे पहले मुझे लेने हैं फ्रूट्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आ चुकी हूँ घर की। मैं अपना बैग टेबल पे रख दूंगी। एक्चुअली मैं पहले क्या करती थी, मैं बैग रख देती थी कबर्ड में और फिर मैं भूल जाती थी कि मुझे पढ़ना भी है। सो अब मैं क्या करती हूँ, मैं टेबल पे बैग रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हाँ मुझे पढ़ना है। अभी मैं अपने सारे नोट्स पेंस वगैरह और टैब सारे टेबल पे रख दूंगी ताकि मेरे सामने पड़ा रहे और मुझे दिखता रहे, और जब दिखेगा तो मैं पढ़ूंगी। दिस इज़ माई लिटल ट्रिक, यू कैन ट्राई ड्यूरिंग योर स्टडी। तो हमेशा मैं यहाँ नहीं पढ़ती हूँ, कभी मैं यहाँ पढ़ती हूँ और कभी मैं यहाँ पढ़ती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन माई मूड। तो जब मेरा डेस्क पे पढ़ने का मन होता है तो मैं यहाँ पढ़ती हूँ, और जब मेरा नीचे बैठ के पढ़ने का मन होता है तो मैं यहाँ पढ़ती हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है मेरा टेबल अभी। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या है। एक्चुअली आज वेदर बहुत अच्छा था। डिस्पेंसरी के पास ही एक पार्क है, तो वहाँ थोड़ी बहुत वॉक करने चले गए थे, तो वहाँ मुझे ये नीचे पड़े हुए मिले थे और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करूँगी बट अच्छे लगे तो उठा लिए मैंने। आप भी मुझे बता सकते हो मैं इसका क्या कर सकती हूँ। आज मेरे ये ग्लासेस भी टूट गए हैं, कोई बात नहीं, बनवा लूँगी फिर से। इतना भी बड़ा नंबर नहीं है वैसे मेरा, 0.25 का ही है, सो इट्स ओके, मुझे ग्लासेस के बिना भी दिखता है। तो अब बात कर लेते हैं सैलरी की। एक फ्रेशर MBBS डॉक्टर की सैलरी दिल्ली जैसी Tier 1 सिटीज़ में 1 लाख से ऊपर होती है, और Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में जैसे कि मेरी सिटी है वहाँ पे 50-60,000 होती हैं। तो यस, आपको पता लग गया होगा मेरी सैलरी 50-60,000 के बीच में है। सो या इतनी ही मिलती है, इतनी कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है डॉक्टर्स को।
जब मैं MBBS कर रही थी और फिर मैंने इंटर्नशिप की, उस टाइम पर पैसे को देखने का मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग था, और अब जब मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ तो अब मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। उस टाइम हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, उस टाइम हमें क्यों पैसा चाहिए होता था? उस टाइम हमें पैसे सिर्फ प्रेप लैडर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए चाहिए होता था, या फिर थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए, शॉपिंग के लिए, इसके लिए चाहिए होता था, और इससे आगे हम सोचते भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही सैलरी आने लगती है, हमारा माइंड किसी और ही रेस में दौड़ने लगता है। हमें इंश्योरेंस भी कराना है, फैमिली के लिए गिफ्ट्स भी लेने हैं, और इन्वेस्टमेंट भी करनी है, सेविंग्स भी करनी है, पता नहीं क्या क्या, 100 तरह के काम। तो मैंने अपनी सैलरी कैसे स्पेंड की वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट डोनेट किया। सबको अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ पार्ट तो डोनेट करना ही चाहिए। तो मैंने भी अपनी सैलरी से कुछ पार्ट डोनेट किया गॉड को थैंक यू करने के लिए। देन मैंने अपनी सैलरी में से फैमिली मेम्बर्स को कुछ गिफ्ट्स दिए और ख़ुद को भी कुछ गिफ्ट्स दिए। और फिर मुझे पता लगा कि इंश्योरेंस भी इम्पोर्टेंट है, और ये मुझे पता लगा कि इंश्योरेंस जितनी जल्दी करवा लो, जितनी कम एज में करवा लो, उतना ही प्रीमियम कम होता है। तो इसके लिए मैंने जल्द से जल्द अपना इंश्योरेंस करा लिया, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया। देन मैंने अपनी एजुकेशन लोन की EMI स्टार्ट करवाई। यस, मैंने MBBS एजुकेशन लोन की हेल्प से की है, तो यस मैंने फिर उसकी EMI स्टार्ट करवाई, और फिर मैंने थोड़ा बहुत अमाउंट सेव किया। अभी भी कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ थोड़ा बहुत अमाउंट। अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा शॉपिंग ना करूँ, फालतू वेस्ट ना करूँ मनी, और सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दूँ। अब मैं धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही हूँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना शुरू करूँगी। अभी मुझे उसकी ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं और आपको पता कि इन्वेस्टमेंट एक बिगिनर को कैसे करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू इन एडवांस। ओके, या दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।